हमारे सिटीज के लुक्स या एस्थेटिक्स को खराब करने के पीछे एक प्राइमरी रीजन है वायर्स। कोई पैटर्न नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं और ना कोई रूल्स, बस एक छत से दूसरे छत और पोल्स पर एक बंच बनाते हुए वायर्स हमारे देश के अंदर लगाए जाते हैं। और इंडिया इस बेकार हालत तक पहुंचा कैसे, इसी चीज के बारे में आज हम जानेंगे। जब मैं वायरिंग की बात करता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ ग्रिड की तरह पहुंचाई जाने वाली इलेक्ट्रिकल वायर्स की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर टीवी केबल्स, इंटरनेट वायर्स, टेलीफोन केबल्स और बाकी जिस भी रीजन की वजह से वायर्स लगाने की जरूरत है, मैं उन सारी चीजों की बात कर रहा हूँ। कुछ मेजर रीजन समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। पहला है हमारे शहरों की हिस्ट्री। इंडियन सिटीज या अगर स्पेसिफिकली घरों की भी बात करें तो वो कभी भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग या फिर किसी भी दूसरे तरीके की वायरिंग के हिसाब से डिजाइन नहीं किए गए थे। बहुत पहले के जमाने से पतली लंबी केबल घरों तक पहुंचाने की जरूरत पड़ेगी, इस हिसाब से सिटीज का डिजाइन नहीं बनाया गया। तो जब वायर लगाने की बात आई तो कोई भी प्री प्लान डिजाइन, कोई ग्रिड पैटर्न या कोई ऐसे प्रोविजंस नहीं बनाए गए थे कि काफी इजीली बिना एस्थेटिक्स को खराब किए भी वायर्स घरों तक पहुंचाए जा सके। और इसलिए जब भी इन्हें लगाने की बात आई तब ज्यादातर जुगाड़ कामों का इस्तेमाल किया गया। क्विकेस्ट ऑफ द वे में किस तरीके से वायर्स घरों तक पहुंचाए जा सके, इस बात पर फोकस किया गया, लेकिन उसके साथ में किस तरीके से सिटीज के लुक खराब हो रहे उन पर ध्यान नहीं दिया गया। एट द सेम टाइम सवाल ये भी खड़ा होता है कि इंडिया के अलावा कई सारे देश ऐसे हैं, स्पेशली अगर हम हमारे ही क्लोज रह चुके यूरोप या जापान जैसे देशों की बात करें तो वो भी हिस्टोरिकली कभी भी इलेक्ट्रिकल वायर्स के हिसाब से डिजाइन नहीं की गई थी। तो उन्होंने बेहतर लुक कैसे पाया और उन्होंने अपनी वायरिंग ठीक से मैनेज कैसे की, अगला पॉइंट उसी पर ले चलता है, वो है एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों अर्ली 1900s में जब देश के अंदर बिजली अलग अलग जगहों पर पहुंचना शुरू हुई थी, उस टाइम पर इंडिया एक बहुत गरीब देश था और इनफैक्ट इंडिया की जो जनरल पॉपुलेशन थी उसे स्ट्रेट अवे पुअर कंसिडर कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हमारे जो शहर थे वहां पर सिर्फ कुछ अलीट घर हुआ करते थे जहां पर बिजली एज अ लग्जरी प्रोडक्ट पहुंचाई जाने लायक थी। और ये जो बहुत ही ज्यादा एक अपर क्लास था जिन्हें बिजली का एक्सेस मिलता था, उन्होंने बिजली को कभी भी एज अ रिसोर्स या एज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं देखा जिसका एक्सेस हर एक इंसान को होना चाहिए, क्योंकि इसे एज अ लग्जरी प्रोडक्ट कंसिडर किया गया। तो सिर्फ और सिर्फ उनके जो घर थे वहां तक बिजली कैसी पहुंच पाए उस बात के हिसाब से जो मेन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन से लेके शहरों तक आने वाले ग्रिड थे उन्हें उस हिसाब से बनाया गया। यानी बेसिकली पूरे के पूरे सिटी में 5-10 घरों के अंदर अगर बिजली पहुंचानी हो तो उसके लिए कोई ग्रिड बनाना या फिर कोई पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छे से बनाना सेंस नहीं बनता था, क्योंकि कभी भी ये नहीं सोचा गया कि इस लग्जरी के बाहर भी बिजली कभी निकल सकती है और इसलिए हमें फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए, ऐसा कभी भी एलिट्स ने नहीं सोचा। इसके कारण जब भी शहर में बिजली आई तो उसे खंभों पर लगाकर एक से दूसरे छत पर लगाकर सिर्फ घर तक पहुंचाने का उसका मकसद रखा गया था और इसी तरह से उन्हें बनाया गया। अंडरग्राउंड वायरिंग टेक्नोलॉजी उस टाइम पे इजीली अवेलेबल थी, लेकिन वो काफी एक्सपेंसिव थी। अंडरग्राउंड वायर्स लगाने के लिए कई सारे दूसरे एरियाज के अंदर काम करने की जरूरत थी, इन चीजों के वजह से उस पर ध्यान नहीं दिया गया। जबकि अगर हम ओवरसीज की बात करें, स्पेशली कई सारे ऐसे यूरोपियन कंट्रीज की जो इसी तरीके से काफी पुराने थे, तो वो इस टाइम भी मिडिल इनकम कंट्रीज हुआ करती थी। ऑब्वियसली कुछ एक्सेप्शन यहाँ पर थे, लेकिन बहुत पहले से चाहे वो यूएस हो या यूरोप, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को एक लग्जरी नहीं बल्कि एज अ यूटिलिटी देखा गया था। जिस तरीके से पानी का कनेक्शन होता है आज के डेट में इंटरनेट वगैरह हो गया है, उसी तरीके से बिजली को देखा जाता था यूरोप और अमेरिका में। इसके लिए उन्होंने चाहे हर घर तक बिजली नहीं पहुंचाई हो, लेकिन बहुत पहले से ये प्रोविजंस करके रखे कि किस तरीके से बिजली वहां पर पहुंचेगी अगर फ्यूचर में जरूरत पड़े तो। जिस तरीके से हमारे यहाँ पर पिछले कुछ दशकों से फ्यूचर के लिए रोड मैप्स बनाए जाते हैं जो एक्चुअल रोड्स के लिए होते हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में अगर कोई प्लॉट डेवलपमेंट हो तो उसके लिए रोड एक्सेस वगैरह ठीक से रहे, पानी वगैरह ठीक से पहुंच पाए, उसी तरीके से यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर बिजली के हिसाब से फ्यूचर प्रोजेक्शंस को देखते हुए चीजें डिजाइन की गई थी। और इसलिए कभी भी उन्हें ये दिक्कतें नहीं आई जो इंडिया के अंदर हमें फेस करनी पड़ी। जब ऐसा पॉइंट आया कि नॉर्मल मिडिल क्लास लोग भी बिजली खरीदना शुरू कर सकते थे इंडिया के अंदर, तो उस टाइम पे कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा सेट पैटर्न नहीं था और जुगाड़ काम करते हुए, छतों से फेंकते हुए, अपना खुद का प्रोविजन करते हुए बिजली लोगों को एक्सेस करने की जरूरत पड़ी। और इसके वजह से हमारे यहाँ पर
वायरिंग की हालत इतनी खराब हो गई। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो है रूल्स या रेगुलेशंस। कोई भी रूल्स रेगुलेशंस इंडिया के अंदर इनिशियल डेज में नहीं लिखे गए कि किस तरीके से बिहारों तक बिजली पहुंचनी चाहिए, किस तरीके से फाइनल ग्रिड का पैटर्न होना चाहिए, ये कभी लिखा ही नहीं गया। इसके वजह से जो फाइनल प्लेयर्स थे वो हमेशा ओपन थे कुछ भी करने के लिए, जो भी उनके लिए इजी और सस्ता हो। आज के डेट में आप कहीं पर भी आपके ईस के हिसाब से रोड नहीं बना सकते आपकी जरूरत के लिए, आपको परमिशंस वगैरह की जरूरत पड़ती है, लेकिन बिजली पानी के लिए ये कभी भी नहीं किया गया। और अनफॉर्चुनेटली आज के डेट में इंटरनेट केबल्स के साथ में भी यही हो रहा है। गवर्नमेंट ने कोई भी रूल्स रेगुलेशंस बनाया नहीं है कि अंडरग्राउंड होने चाहिए, इतने पुल्स से इतने वायर्स निकलने चाहिए, हर एक घर तक ग्रिड पहुंचाने के सबसे प्रोविजंस होने चाहिए, ये रूल्स क्योंकि गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है। तो जो फाइनल में स्पेशली अगर प्राइवेट कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो बिल्कुल भी रूल्स न होने की वजह से बिंदास कहीं भी कैसे भी वायर्स लगाती है और ये हमारे शहरों की हालत को और ज्यादा खराब बनाती है। अगला जो पॉइंट है कॉस्ट, जो हर एक इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू के अंदर बड़ा पॉइंट होता है। पहले जब बिजली कुछ ही जगह तक पहुंचानी थी तो सब सस्ते मेथड्स इस्तेमाल किए गए। अंडरग्राउंड तरीकों से वायर्स को एक से दूसरी जगह पर पहुंचाना लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा होता है, उनमें ब्रेकडाउन कम होते हैं, मेंटेनेंस करते समय बहुत बड़े काम यहाँ पर नहीं निकलते हैं और ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी ये होती है। लेकिन एट द सेम टाइम इनिशियल कॉस्ट इनका काफी ज्यादा होता है। इन्हें बनाते समय जहाँ पर भी गड्ढे खोदे जाने वाले हैं वहाँ पे परमिशंस की जरूरत पड़ती है, वहाँ पर बाद में दूसरे काम करने की भी जरूरत पड़ती है। इसकी वजह से अंडरग्राउंड को कभी भी एज अ चीपर ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल नहीं किया गया और ओवरहेड वायर्स का इस्तेमाल ज्यादा इंडिया के अंदर किया गया। ऑब्वियसली इसके कारण ना सिर्फ बिजली लेकिन बिजली के केबल से ज्यादा टीवी, इंटरनेट, टेलीफोन, ये सारे टाइप के केबल्स इंडिया के हर शहर में बहुत बुरी तरीके से बिछाए गए और अभी भी यही हालत है। अब बात करते हैं फ्यूचर में कि क्या हमारे देश के अंदर वायर्स वगैरह ये कम होगी। अगर बहुत ज्यादा ऑनेस्टली कहे तो ऐसा कोई भी बहुत बड़े स्केल पर प्लान नहीं बनाया गया है जिसके वजह से इंडिया के अंदर ये सारे के सारे बिजली केबल की वायर्स वो अंडरग्राउंड की जा सके या फिर एटलीस्ट खंभों पर वो ठीक से एस्थेटिकली बिछाई जा सके। ऐसा नहीं है कि ये करना इम्पॉसिबल भी है, देश के कुछ छोटे छोटे हिस्सों के अंदर ये पहले किया जा चुका है। अगर आपने पिछले 10 सालों में दो बार गोल्डन टेम्पल विजिट किया है दो बड़े गैप्स के अंदर तो आपने देखा है कि पहले जो आसपास के एरिया में बहुत ज्यादा ऊपर वायर्स हुआ करती थी उन्हें पूरी तरीके से क्लीन अप कर दिया गया है। आज जो नई सिटीज बन रही है वहां पर भी इन क्लीनअप्स को देखा गया है। इसके अलावा जब भी हमारे देश के कोई भी ऐसे पॉकेट के अंदर रीडेवलपमेंट होता है जहां पर बड़े पुराने एरिया को रीडेवलप किया जा रहा है तो नए डेवलपर्स भी कई बार ध्यान रखते हैं कि जो पिछली तरीके की वायरिंग थी उसके कंपैरिजन में बेटर वायरिंग देखने के लिए मिले और इन टेक्निक्स के जरिए बहुत ही कम स्पीड पर देश के अंदर वायरिंग को ठीक किया जा रहा है। लेकिन बाय गवर्नमेंट बहुत ही कम जगहों पर आज तक पैसे इन्वेस्ट किए गए हैं इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आपके पास कोई सुझाव हो कि किस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो नीचे कमेंट्स में लिखना नहीं भूलना और मिलेंगे अगले वीडियो में।